हेलो फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उसमें कुछ लोगों की कमेंट आई थी कि सर, पैन कार्ड अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट को रिसाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि पैन कार्ड अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट को रिसाइज कैसे करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। पैन कार्ड बनाने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को रिसाइज करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे पैन कार्ड रिसाइजर। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी, pancardresizer.com। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप पैन कार्ड फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट कन्वर्टर के पेज पर आ जाएंगे। और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। फाइल ओपन करने के बाद आप जिस भी डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फोटो को रिसाइज करना चाहता हूँ तो फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने वो फोटो ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप अपना पैन कार्ड UTI से बना रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप अपना पैन कार्ड NSDL से बना रहे हैं तो NSDL के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो अपना पैन कार्ड बना रहा हूँ वो NSDL से बना रहा हूँ, तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट। जो भी आपने फोटो को सिलेक्ट किया है वो फोटो है या फिर सिग्नेचर है या डॉक्यूमेंट है, इन तीनों में से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा फोटो है तो फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, रिसाइज ओरिजिनल। अगर आप अपने फोटो को क्रॉप नहीं करना चाहते तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर अपने फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो रिसाइज सिलेक्टेड एरिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं फोटो को क्रॉप करना चाहता हूँ तो ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन पर क्लिक है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने फोटो का फॉर्मेट आ जाएगा। आप इस फोटो को जितना भी क्रॉप करना चाहते हैं यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद नीचे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने फोटो को देख सकते हैं। क्लिक करते ही नीचे आपको प्रीव्यू का बटन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने फोटो का फॉर्मेट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से जो भी आपका फोटो है वो यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस फोटो को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो भी आपका फोटो वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फोटो डाउनलोड हो चुका है। इसे देखने के लिए हम ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी पैन कार्ड बनाने के लिए फोटो की रिक्वायरमेंट होती है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम बैक चलेंगे। बैक आने के बाद इसी तरीके से आप सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे। रिसाइज करने के लिए प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रीवियस पर क्लिक करते यहाँ पर फिर से प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने फोटो आ जाएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने फोटो को हटा देंगे। फोटो हटाने के बाद जो सिग्नेचर को रिसाइज करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से उसी तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम NSDL से बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी NSDL पर क्लिक है। नीचे आपको फिर से तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको फिर से दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर रिसाइज सिलेक्टेड एरिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने सिग्नेचर का फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर को क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद एक बार यहाँ से प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को देख लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर का फॉर्मेट देख सकते हैं। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसे डाउनलोड करने के लिए साइड में आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते नीचे आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका सिग्नेचर डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट को प्रीवियस पर क्लिक करके उसे रिसाइज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी डॉक्यूमेंट को रिसाइज करके आप अपने पैन कार्ड बनवाने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।